किशोरी, मुझे जब जब ये ख्याल आता है कि ममता पराए घर जाने वाली है, जाने मेरी आंखों में आंसू भरने लगते हैं। आप भी ना जी, लड़कियों को तो पराए घर जाना ही होता है। जब राजा जनक ही जानकी को अपने महलों में नहीं रख सके, फिर हम लोग क्या हैं? लेकिन ये ख्याल मुझे हमेशा सताता रहता है। हालांकि कल्याणी जी ने तो कह दिया है कि हम ये शादी बड़े सादे तरीके से करेंगे, लेकिन फिर भी लोक लाज को देखते हुए हमें अपनी बेटी को कुछ दान दहेज तो देना ही चाहिए। सच कहूं, ये बात तो मेरे मन में भी बार बार आती है। मैं देखती हूं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते। शुक्ला सर हैं घर पे? हाँ, आइए ना, आइए। अरे वर्मा मलिक, आप लोग आओ, आओ भाई आओ। कैसे आना हो गया आज? किशोरी, ये सब मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं। आज आप लोगों का कैसे आना हो गया भैया? सर एक शिकायत है आपसे। कैसी शिकायत? सर सक्सेना साहब ने तो आपको बिना वजह नौकरी से निकाल दिया, लेकिन आपने हम सबको अपने दिल से निकाल दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, दरअसल मेरी बिटिया की शादी की तारीख पक्की हो गई है तो उसी सिलसिले में बिजी था। और आपने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया और शादी का कार्ड भी नहीं भिजवाया। आई एम वेरी वेरी सॉरी, शादी का कार्ड आप सबको पहुंच जाएगा। बेटी के शादी में तो हम सब लोग बिना बुलाए आ जाएंगे, पर हम इस वक्त वादा निभा रहे हैं सर। वादा? सर याद है आपको, मैंने कहा था कि मेरे भाई की फर्नीचर की दुकान है, तो आपकी बेटी की शादी के लिए उसका घर का फर्नीचर आप वहां से ले सकते हैं। पैसे की चिंता ना कीजिए, सारा बंदोबस्त हो चुका है, अब जब चाहे तब वहां से फर्नीचर ले आ सकते हैं। सर मैंने कहा था ना, मेरे ससुर जी ज्वेलर है, आपकी बेटी के लिए जितने ज्वेलरी चाहिए आप उनकी दुकान से ले जा सकते हो। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैंने ससुर जी से बात कर ली है और मेरे पास 1,00,000 रुपया कैश तैयार पड़ा है, जब भी जरूरत पड़े मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगा। भैया सब लोग ऐसे वक्त पे मेरे काम आ रहे हैं, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ममता की शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। हाँ बिल्कुल धूमधाम से होगी, बिल्कुल। चलो आओ आओ, सही आओ सही। किशोरी चाय वाय का प्रबंध कर। कल्याणी देवी जी आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। कहिए कैसे आना हुआ? संजय की शादी का कार्ड लेकर मैं और ये आए थे, लेकिन आप मिले नहीं, इसलिए निजी तौर पर न्योता देने आई हूँ। आप संजय की शादी में आइएगा जरूर। क्यों, अगर हम शादी में नहीं आएंगे तो क्या ये शादी? ऐसी अशुभ बातें मत कहिए, आप हमारे समधी हैं, आपसे ही हमारी इज्जत है, मान मर्यादा है। मान मर्यादा? तब आपकी मान मर्यादा कहां गई थी, जब आपके सदन का एक आदमी खून के जुर्म में पकड़ा गया। आप जानते हैं उस वक्त हमारी समाज में कितनी बेइज्जती। भाई साहब, ये वक्त उन सब बातों को दोहराने का नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि आप उन बातों को भूलकर भूल जाओ, वो अपमान भूल जाओ जो आपने मुझे घर पर बुलाकर किया, मेरी बेटी को जो यातनाएं दी थी वो भूल जाओ। सुनिए, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपनी बेटी के ससुराल वालों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? ये मत भूलिए, आप रुतबे में कितने भी बड़े क्यों ना हों, इनसे फिर भी छोटे ही हैं। नहीं, मैं इन लोगों जितना छोटा नहीं हो सकता, मैं हर लिहाज से बड़ा, रुपया पैसा शौहरत सब कुछ मेरे। और कल्याणी देवी जी, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, मैंने अपनी बेटी आपके घर में दिया,
राकेश नाथ की बेटी आपके घर की बहू बनी, इससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ा, वरना समाज में आपको जानता ही कौन था। हाँ, हमारी बेटी और आपकी बड़ी बहू इस शादी में शामिल नहीं है। ऐसा मत कहिए भाई साहब, हमारी बड़ी बहू शादी में नहीं होगी तो समाज में हमारी बदनामी होगी। यही तो हम चाहते हैं। ठीक है, यहां आकर मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। शादी में आना न आना आपकी मर्जी, लेकिन एक बात कह देती हूं, जमीन को आसमान छूने का भ्रम नहीं पालना चाहिए। नमस्ते। एडवाइस दिया मैंने इसे, मैं तो इसे अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ना सिखा रहा हूं। गलत कह रहे हैं आप इसे समझा नहीं रहे हैं बल्कि जीवन के प्रति उलझा रहे हैं। देखो कल्पना, तुम मेरी बेटी हो और एक बेटी की माँ भी हो। मैं नेहा को सामने रखकर ये तुमसे कह रही हूँ कि जब नेहा की शादी होगी ना, तब तुम्हारी इसी तालीम से वो अपने ससुराल में, अपने सास ससुर से, अपने पति से, अपने घर संसार से। राशि लगता है। जयराम काका क्या कर रहे हैं? जो जो समाज जहाँ जहाँ जा रहा है उसके लिस्ट बना रहा हूँ। अच्छा, अपने सारे डीलर्स तो वही है ना, कोई बदलाव तो नहीं आया? नहीं, कोई बदलाव नहीं आया, वैसे के वैसे ही है सब कुछ। पर वो तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था उसकी वजह से, उसकी वजह से सदन के काम में फर्क तो जरूर आया होगा काका, क्योंकि मेरी वजह से सही ये सदन बदनाम तो जरूर हुआ था। तू इस सबकी उलझन में क्यों पड़ रहा है? जाके आराम कर, मुझे भी काम करने दे। काका ये लिस्ट आप मुझे दे दो, क्योंकि शहर सामान छोड़ने तो मैं ही जाऊंगा। नहीं, तुम सामान लेकर शहर नहीं जाओगे। क्यों माँ? तुम्हारे उस हादसे के बाद मुझे शहर से डर लगने लगा है। तो तुम मेरी जगह किसी और को आप शहर? नहीं, अब सदन से कोई शहर नहीं जाएगा। मैंने सारे डीलर्स को हिदायत दी है कि वो अपना आदमी भेजकर अपने ऑर्डर का सामान यहां से ले जाए। जयराम, अमित कहाँ है? जी माँ जी, अमित अपने कमरे में। मैं तो आपसे हर रोज मिलना चाहती हूँ, पर आप ही बात बात पर नाराज हो जाते हैं। क्या करूं श्वेता जी, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। एक बात पूछो। हाँ पूछिए। आप जो अपने आप से, सारी दुनिया से इस कदर परेशान रहते हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? जरूरी तो नहीं कि हर बात की कोई वजह हो। बेवजह तो कोई बात नहीं हो सकती अमित जी, अतीत में कोई ना कोई बात तो ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से आप। श्वेता जी, आप मुझ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? मैं ही नहीं, इस सदन का हर मेंबर आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि तुम हम सबको बहुत अच्छे लगते हो। सच कह रही हूं, जैसी हमारी भावना होती है वैसी ही दुनिया और वहां के लोग नजर आते हैं। आप लोगों की ये फिलोसॉफिकल बातें कभी कभी तो समझ में आती है और कभी बोर कर जाती है। बोर नहीं करती। सच तो ये है कि तुम ये बातें सुनकर भी समझना नहीं चाहते, ये एटीट्यूड गलत है। हो सकता है,
नहीं, लेकिन हो सकता है आपकी नजर में गलत हो, मुझे तो यही अच्छा लगता है। जिसे दुनिया गलत कहती है। किस दुनिया की बात कर रही हैं आप कल्याणी जी? किस दुनिया की बात कर रही हैं आप? और आपके सदन का हर आदमी सच्चाई से दूर रहकर ख्वाबों की दुनिया में खोया रहता है। हकीकत की जमीन पर यह दुनिया कैसी है आपसे बेहतर मैं जानता हूं कल्याणी जी, इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों यहां से चली जाए। देखिए देखिए अमित जी, आप फिर से वही कर रहे हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ता है। सुना नहीं तुमने? चल जाओ यहां से, कुछ नहीं सुनना तुम्हारा। फिलोसॉफिकल बातें सुना रही है मुझे। जय भैरव नंदा। डबला भाई, मैं तो ऑफिस जा रहा था, रास्ते में सोचा कि तुमसे मिलकर चलो। कैसे हो डबला भाई? अरे अपना क्या इनामदार, ना सावन हरे ना भादो सूखे, मौसम इन जैसे है। अच्छा ये बता कि आज डबला भाई की याद कैसे? बस यूं ही दिल किया तुमसे मिलने का तो चला आया। भैरव दिल किया? अरे तू तो बिना मतलब अपने बाप से नहीं मिलता नाम का, तो मुझे क्या मिलेगा? बोल कैसे आना? डबला मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था, तुमने वो शकील को छुड़ाने में जो मेरे दामाद आदित्य की मदद की है उसी के लिए मैं तुम्हें। मेरे और तुम्हारे बीच जो डीलिंग हुई थी उसके बारे में तुमने किसी को कुछ बताया? वैसे भी इस डील के बारे में कोई नहीं जानता, इस डील के बारे में वही जानता है जो ये सच कह रहा है। भैरव की सौगंध, तो फिर ये सारी बातें मेरे बड़े भाई के ससुर राकेश नाथ को कैसे पता चला? सपना आया तेरे को, तेरे घर के दीवारों ने तुझे बताया? ये इनामदार मेरे शक्ल पे देख, मैं तुझे क्या बेवकूफ लगता हूं, पागल लगता हूं, बुद्धू लगता हूं तुझे? बाबला भाई नाम है मेरा इनामदार, उड़ते पंछी के पर गिनता हूं। वैसे तो मैंने शकील के मामले में विजय की कोई मदद नहीं की, और अगर की है तो यह बात तेरे दामाद के अलावा और कोई नहीं जानता। डबला भाई अब इस बात को इतना सीरियसली कर लिया, ये बात मुझे कहीं से भी पता चली इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? और फिर ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। गलत गलत इनामदार, ऐसी बातें हमारे धंधे में कभी पता नहीं चलती, वो आदमी के साथ ही तक पहुंच जाती। खैर मैं उस वकील से बाद में बात करूंगा, पहले तू अपनी बात पूरी कर। तो तू यहां मेरा शुक्रिया अदा कर, आगे बोल। डबला मैं तुमसे एक धंधे की बात करने आया हूं, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा अगर तुम चौधरी खानदान के सामने से इतना कर दो कि इस मामले में तुमने विजय की मदद की। बस।
ठहरा। बिग इनामदार, मैं तुझे तीन बातें बताना चाहता हूं। पहली बात कि डाबरा भाई रोज अंडे देने वाली मुर्गी को एक ही छक्के में हलाल नहीं करता। दूसरी बात, डाबरा भाई दोस्ती और धंधे में करता ही नहीं करता। और तीसरी बात इनामदार, इस वक्त मेरे घर का दरवाजा तेरा इंतजार कर रहा है, तो अभी यहां से जा सकता है। जय भैरव।